Hello students, in this video we are going to study part 2 of the poem Risk. So guys, इस वीडियो में हम जो स्टेंजर्स एक्सप्लेनेशंस हैं वो स्टडी करेंगे और साथ में बताना चाहेंगे कि आपको जो भी स्टेंजर्स एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उन सभी को आप फिर नोटबुक में नोट करें प्रॉपरली से. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट स्टेंजर. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. So guys, जैसे कि first part में study किया कि यहाँ कवि जो बताना चाहता है कि हर चीज़ में रिस्क होता है, यहाँ तक कि जब हंसते हैं तो हंसने में रिस्क होता है कि लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं. To weep is to risk appearing sentimental. यदि आप रोते हैं तो रोने में रिस्क होता है, लोग आपको sentimental means emotional समझ सकते हैं. To reach out for another is to risk involvement. यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, यहाँ reach out means help करने के सेंस में, यदि आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं is to risk involvement. तो हो सकता है कि वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होने का रिस्क होता है, मीन्स आपके शामिल होने का रिस्क रहता है कि आप भी उनके साथ शामिल हैं. टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. अब मीन्स अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना, अपनी भावनाओं को बताना, व्यक्त करना, उसमें भी रिस्क होता है. रिस्क किस बात का होता है? टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ मीन्स अपने करेक्टर का, अपने नेचर का एक्सपोज होने का रिस्क रहता है. आप अपने करेक्टर का भेद खोलते हैं. तो गाइस, ये था स्टेंजा फर्स्ट. इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी. तो गाइस, ये जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ये आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज बाय जेनी ट्रेन. गाइस, ये था इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट. देखिए, रिस्क आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. यहाँ कभी इस फर्स्ट स्टेंजर में बताना चाहता है कि जो रिस्क है, जोखिम जो होते हैं, मानव जीवन के एक अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न हिस्सा होता है. विदाउट देम, इनके बगैर, रिस्क के बगैर नो ह्यूमन एक्टिविटीज पॉसिबल. कोई भी मानवीय गतिविधि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन. We can't stop laughing thinking that by doing so we are risk ourselves to appear fools before others. हम अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकते हैं ये सोच कर कि अगर यदि ऐसा करते हैं so we are risk ourselves, तो हम अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं. To appear fools before others, दूसरों सामने मूर्ख अपीयर होने में अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं कि यदि हम ऐसा, यदि हम हंसते हैं तो हम ये लगे, हम ये ऐसा लगता है कि मीन्स लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं. तो इस प्रकार से हम अपने आप को नहीं रोक सकते हंसने से, जोखिम तो है. नोर कैन वी स्टॉप वीपिंग और सैडिंग और आर टीयर्स रिस्किंग दैट अदर्स मे थिंक अस इमोशनल. और ना ही हम अपने आप को रोने से, आंसू बहाने से रोक सकते हैं. सैडिंग मीन्स बिखेरना, यहाँ पर आंसू बहाना. तो ना ही अपने आप को रोने से रोक सकते हैं, आंसू बहाने से रोक सकते हैं. रिस्क दैट, ये रिस्क उठाते हुए कि अदर्स मे थिंक अस इमोशनल, कि दूसरे लोग हमें इमोशनल समझ सकते हैं. गोइंग आउट टू हेल्प अदर्स कांट बी अवॉइडेड. और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ने से हम अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं. वी कांट स्टॉप डूइंग सो, हम ऐसा करने से लिए इसलिए नहीं रोक सकते हैं एज, क्योंकि इट रिस्क आर डीप इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस इन अदर्स लाइव्स. कि हमें इस बात में, क्योंकि इस बात में रिस्क तो होता है कि लोग आप, हो सकता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट होने का रिस्क रखते हैं कि आप इस कार्य में शामिल हैं. यदि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आप दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करने का रिस्क रखते हैं. बट हम अपने आप को दूसरों की मदद करने से नहीं रोक सकते हैं ये सोच करके कि इसमें रिस्क है दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने का.
We should not stop opening our heart to others simply because it risks exposing our true self. और न ही हमें अपने आप को रोकना चाहिए. ओपनिंग आउट आर हार्ट टू अदर्स, दूसरों के प्रति हमारा जो दिल है उसको ओपन करने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए. बिकॉज इट इज़ एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ, क्योंकि मानते हैं कि इसमें अपने आप को एक्सपोज करने का रिस्क रहता है. लेकिन हमें अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए. सो गाइस, ये द फर्स्ट स्टेंजा. सो लेट्स सी सेकेंड स्टेंजा. टू प्लेस ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. Naive, it means guys inexperienced, anubhavhin, जिसको किसी बात का अनुभव ना हो. तो यहाँ कोई बताना चाहता है कि यदि आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपने ड्रीम्स को एक भीड़ के सामने, लोगों के सामने आप प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो इज टू रिस्क बींग कॉल नाइव. तो वहाँ पर एक अनुभवहीन होने का रिस्क होता है. लोग आपको इनएक्सपीरियंस समझ सकते हैं, अनुभवहीन समझ सकते हैं. टू लव इज टू रिस्क नॉट बींग लव्ड इन रिटर्न. कभी यहाँ बताना चाहता है कि प्यार करने में भी एक रिस्क होता है. किस चीज़ का? कि हो सकता है कि बदले में आपको प्यार ना मिले, आपसे प्यार ना किया जाए. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का रिस्क रहता है. सो गाइज, नाउ लेट्स सी रेफरेंस. रेफरेंस गाइज, जो भी स्टेंजर्स होंगे इस पोएम के, सेम रहेगा. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज बाई जेनेट रेंट. कॉन्टेस्ट. वी शुड नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क इन एक्सप्रेसिंग आवर सेल्व्स बिफोर अदर्स नॉर हेजिटेट इन द मैटर ऑफ लव. तो कभी यह बताना चाहता है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने में रिस्क उठाने से नहीं रोकना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए और ना ही हमें हेजिटेट होना चाहिए प्रेम के विषय में. सो गाइस, एक्सप्लेनेशन देखिए आप. वी शुड नॉट हेजिटेट और फियर टू प्रेजेंट और एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ बिफोर अ क्राउड ऑफ कॉमन पीपल. तो यहाँ कभी बताना चाहता कि हमें एजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने में, एक्सप्रेस करने में आम लोगों की भीड़ के सामने. मीन्स लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करने में, अपने ड्रीम्स को शेयर करने में हमें एजिटेट नहीं होना चाहिए, नहीं डरना चाहिए. वी शुडंट कीप देम हिडन इन आवर हार्ट. उन्हें अपने दिल में छुपा कर नहीं रखना चाहिए अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को. वी शुड नॉट थिंक दैट, हमें नहीं सोचना चाहिए कि बाई एक्सप्रेसिंग दैम ओपनली, कि हम उनको ओपनली मीन्स एक फ्रेंकली वे से उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं तो वी आर रिस्किंग आवर सेल्स टू बी कॉल्ड इनएक्सपीरियंस पर्सन्स और सिंपल्टन्स. कि हम यदि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ फ्रेंक मैनर, एक स्पष्ट तौर से, तो हम अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं, एक अनुभवहीन व्यक्ति कहलाने के रिस्क में डाल रहे हैं. ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें. द एक्ट ऑफ लविंग टू इन्वॉल्व्स रिस्क. तो कभी आगे बताना चाहता है कि प्यार करने का जो एक्ट है उसमें भी रिस्क तो होता ही है, जोखिम तो हर चीज़ में है. बट वी शुड नॉट स्टॉप लविंग जस्ट बिकॉज वी रन द रिस्क ऑफ गेटिंग नो लव फ्रॉम आवर बिलव्ड इन रिटर्न. बिलव्ड मीन्स प्रेमिका. तो हमें प्यार करने से नहीं रोकना चाहिए अपने आप को, सिवाय इस वजह की मीन्स उसमें हो सकता है कि आपको बदले में प्यार ना मिले, इस चीज़ का जोखिम है. लेकिन फिर भी हमें प्यार करने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए. वी शुडंट स्टॉप लिविंग और एन्जॉइंग लाइफ. और ना ही हमें ज़िंदगी जीने से, एन्जॉय करने से अपने आप को रोकना चाहिए. एज देयर इज अ रिस्क ऑफ डाइंग इन डूइंग सो. क्योंकि रिस्क तो है, मरने का रिस्क तो होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने से, अपनी ज़िंदगी जीने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए. सो गाइस, नाउ लेट्स सी थर्ड स्टेंजा. टू होप इज टू रिस्क डिसअपीयर. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. डिसअपीयर इट मीन्स निराशा. उम्मीद करने में भी निराशा का रिस्क रहता है, मीन्स आशा में भी निराशा का रिस्क होता है, जोखिम होता है. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. कोशिश करने में भी असफलता का रिस्क होता है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन. लेकिन रिस्क लिया जाना चाहिए. बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, हजार्ड मीन्स खतरा,
इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जिंदगी में जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो रिस्क न लेना है. सो गाइस नाउ लेट्स सी रेफरेंस. रेफरेंस सेम कॉन्टेक्स्ट देखिए. रिस्क एंड हजार्ड्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. एसेंशियल पार्ट्स मीन्स नेसेसरी, आवश्यक. तो यहाँ कवि बताना चाहता है कि जो जोखिम है, जो हजार्ड्स हैं, जो खतरे हैं, वो हमारी ज़िंदगी का एक आवश्यक नेसेसरी पार्ट्स हैं, इससे हैं. वी मस्ट नॉट हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. और हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए. जो ज़िंदगी के जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौती हैं, उनको एक्सेप्ट करने में, उनको स्वीकार करने में हमें कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए. सो गाइस अब देखिए एक्सप्लेनेशन. वी कांट स्टॉप एंटरटेनिंग होप इन लाइफ. हमें ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद रखना बंद नहीं करना चाहिए. वी शुडंट थिंक दैट, हमें नहीं सोचना चाहिए कि बाई डूइंग सो वी आर रिस्किंग फेलियर्स, कि ऐसा करके हम मीन्स एक फेलियर्स का रिस्क उठा रहे हैं, असफलताओं का रिस्क उठा रहे हैं. बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना चाहिए. एंड वी शुड नॉट हेजिटेट टू मीट दैम. और एंड हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए टू मीट दैम, मीन्स उन चैलेंजेस को पूरा करने में हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए. वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि द ग्रेटेस्ट डेंजर, जो सबसे बड़ा खतरा है दैट वी कैन फेस इन लाइफ, जो जिंदगी में फेस कर सकते हैं, कम्स ओनली व्हेन वी रिस्क नथिंग. वो तभी आता है जब रिस्क नहीं लेते हैं. सो गाइस नेक्स्ट देखिए स्टेंजर्स फोर्थ. द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, fail, change, grow, love, live. यहाँ कभी बताना चाहता है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं, does nothing, कुछ नहीं कर पाते हैं, has nothing, उनके पास कुछ नहीं होता है, is nothing, वो कुछ भी नहीं होता है, and becomes nothing, और ना ही कुछ बन सकता है. They may avoid suffering, sorrow. हो सकता है कुछ समय के लिए वो दुख कष्टों को अवॉइड कर दे, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाता है. फील ना ही किसी को फील कर पाता है, ना ही चेंज को बदलाव ला सकता है, ग्रो ना ही वो आगे बढ़ सकता है, लव ना ही वो प्यार कर सकता है, लिव और ना ही वो जी सकता है. सो गाइस देखिए आप रेफरेंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज बाय जेनेट ट्रेंट. तो ये जो पंक्तियाँ हैं रिस्क जो पोएम है ली गई हैं उस कविता से. और इसके जो पोइट हैं जेनेट ट्रेंट हैं. कॉन्टेक्स्ट देखिए गाइस. विदाउट रिस्क देयर इज नो गेन इन लाइफ. गेन मीन्स प्रॉफिट, फ़ायदा. बिना रिस्क के जीवन में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है. दोज हु नेवर टेक रिस्क, वो व्यक्ति जो कभी रिस्क नहीं लेते हैं, नेवर सक्सीड इन लाइफ, ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं. एक्सप्लेनेशन. अ पर्सन हु डज नॉट रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, ही डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता है इम्पोर्टेंट इन लाइफ, ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं कर पाता है. ही डजेंट पजेस एनीथिंग लाइफ, ज़िंदगी में उसके पास कुछ भी नहीं होता है. ही इज़ टोटली अ वर्थलेस इनसिग्निफिकेंट पर्सन, वह पूरी तरह से एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति होता है. उसको लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता उस व्यक्ति का. अ मैन हु टेक्स नो रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, बिकम्स नथिंग लाइफ, जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाता है. इट इज़ पॉसिबल दैट, यह संभव है कि पर्सन्स मे अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरोज इन लाइफ, कि व्यक्ति कुछ समय के लिए ज़िंदगी में दुखों कष्टों को अवॉइड कर सकता है, बट बाय टेकिंग नो रिस्क, लेकिन रिस्क न लेकर के दे कांट अटेन नॉलेज, नहीं उनको नॉलेज प्राप्त हो सकती है, एक्सपीरियंस उनको मिल सकता है, ना ही को बदलाव ला सकते हैं और ना ही वो ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं. सो गाइस स्टेंजर्स फोर्थ. चेन बाय देयर सैटिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री. तो गाइस सैटिट्यूड मीन्स निश्चितता. एक व्यक्ति जो अपनी निश्चितता से बंधा होता है, मीन्स अपने भाग्य से बंधा होता है, अपनी किस्मत से बंधा होता है, जो ये मान के चलता है कि मैं जो किस्मत में जो होना होता है वो होकर ही रहेगा, और वो कोशिश नहीं करता है, बस भाग्य के भरोसे रहता है, अपने सैटिट्यूड से अपनी निश्चितता से बंधा होता है, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम होते हैं.
अपनी किस्मत के, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है जो व्यक्ति रिस्क लेता है। सो गाइस कॉन्टेक्स्ट देखिए, रेफरेंस गाइस सेम रहेगा जो आपको बताए गए, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन रेफरेंस आप साथ में नोट कर लें। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज बाय जेनेट ट्रेंट। कॉन्टेक्स्ट देखिए, रिस्क प्रोवाइड अस विद अपॉर्चुनिटीज, कभी यह बताना चाहता है कि रिस्क हमें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, अवसर प्रदान करते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओनली मेक अस लेस इंडिपेंडेंट एंड फ्री, और सुरक्षा की जो झूठी भावना है, फॉल्स सेंस जो है सिक्योरिटी की, ओनली मेक अस लेस इंडिपेंडेंट एंड फ्री, इससे हम केवल कम स्वतंत्र और मुक्त बन पाते हैं। मीन्स हम पूरी तरह से हमें फ्रीडम नहीं होती है। सो नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। दोज पीपल हु डोंट रिस्क एनीथिंग इन लाइफ, वो व्यक्ति जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं, आर बाउंड, बाउंड होते हैं, मीन्स वो बंधे होते हैं बाय द फॉल्स फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और निश्चितता की झूठी भावना से बंधे होते हैं। सच पीपल आर लाइक स्लेव्स, ऐसे जो लोग हैं अपने विचारों के गुलाम होते हैं, एक स्लेव्स की तरह होते हैं, स्लेव्स मीन्स गुलाम। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है। ओनली दैट पर्सन हु टेक्स रिस्क, केवल वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है इन लाइफ, जिंदगी में, कैन बी कॉल्ड ट्रूली फ्री, उसी को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहा जा सकता है। सो गाइस ये थी आपके स्टेंजर्स के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो इन स्टेंजर्स के जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन है, अपने फिर नोटबुक में नोट कीजिए, एंड देन सबमिट योर होमवर्क टू माई व्हाट्सएप नंबर 9414340825। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।